मैं मनोज लांबा एक बार फिर से टैक्स और वेल्थ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नोटिस ऑफ डिमांड आज की चर्चा का विषय क्या होता है? नोटिस ऑफ डिमांड, अगर आप नोटिस ऑफ डिमांड में बताई गई राशि जमा नहीं कराते तो क्या क्या हानियां हो सकती हैं, नोटिस ऑफ डिमांड का जवाब किस प्रकार देना है, इन सभी बातों को आज के वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयत्न करें। नोटिस ऑफ डिमांड आपको प्राप्त होता है जब आपके खिलाफ किसी असेसमेंट ऑर्डर में या किसी प्रोसीडिंग में कोई टैक्स, कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी या अन्य कोई राशि देय हुई है, पेबल निकली है, तो ऐसी दशा में आपका असेसिंग ऑफिसर आपको जो नोटिस देता है उसे नोटिस ऑफ डिमांड कहा जाता है। नोटिस ऑफ डिमांड प्रस्क्राइब फॉर्म में होना जरूरी है और वो प्रस्क्राइब फॉर्म है फॉर्म नंबर 7 रीड विद रूल 15 ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962। नोटिस ऑफ डिमांड में जनरली 30 डेज का टाइम दिया जाता है और 30 डे के अंदर नोटिस ऑफ डिमांड में बताई गई राशि आपको जमा करानी होती है। अगर किसी कारणवश आप ये राशि जमा कराने में असमर्थ रहते हैं तो आपके ऊपर पेनल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं। लेकिन कहीं पर अगर असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि ये 30 दिन का समय देने से उसे हानि हो सकती है, रिवेन्यू का लॉस हो सकता है, तो ऐसी दशा में वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की प्रायर परमिशन से इस टाइम पीरियड को घटा सकता है। अगर किसी कारणवश 30 दिन के अंदर आप ये जमा राशि नहीं करा पाते तो ऐसी दशा में आप पर सेक्शन 220 सब धारा 2 के अंतर्गत 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ की दर से ब्याज लगाया जाएगा। लेकिन बार बार नोटिस देने के बावजूद भी अगर आप ये धनराशि जमा नहीं कराते तो ऐसी दशा में आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और जुर्माने की राशि आपकी डिमांड की राशि के बराबर होगी और ये जुर्माना लगाने की प्रोसीडिंग सेक्शन 221 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनिशिएट की जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ जो डिमांड निकाली गई है, आपके ऊपर जो राशि दे निकाली गई है, तो वह गलत है, तो ऐसी दशा में आप नोटिस सर्विस होने के 30 दिन के भीतर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास जाकर दरवाजा खटखटा सकते हैं और यह अपील होगी फॉर्म नंबर 35 में। अगर ये डिमांड जो है अराइज हुई है वो खुद इनकम टैक्स कमिश्नर अपील या कमिश्नर के ऑर्डर से अराइज हुई है तो ऐसी दशा में आपको फॉर्म नंबर 36 भरना होगा और आपको न्याय के लिए जो दरवाजा खटखटाना है वो खटखटाना होगा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का। जी हाँ, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का। और यह दरवाजा खटखटाने के लिए आपके पास समय सीमा है 60 डेज की। कहीं पर आपको ये लगता है कि आप 30 दिनों में ये धनराशि जमा नहीं करा पाएंगे तो ऐसी दशा में आप एक सिंपल कागज पर प्रार्थना पत्र लिखकर अपने असेसिंग ऑफिसर को कह सकते हैं कि मुझे फाइनेंशियल दिक्कतों के कारण ये राशि एक मुश्त राशि जमा कराना मेरे लिए संभव नहीं है, मेरे को इंस्टॉलमेंट्स में परमिशन दी जाए। अगर असेसिंग ऑफिसर आपके कंडक्ट को देखते हुए ये लगता है कि आप ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं और आप ये राशि इवेड नहीं करेंगे तो ऐसी दिशा में वो आपको इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करने के लिए परमिट कर सकता है। लेकिन इस नोटिस को हल्के में ना लें, जो भी राशि बताई गई है या तो जमा कराएं या इस नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई दें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। इस तरह की वीडियो लेके हम आपके समक्ष आते रहेंगे। तब तक के लिए मनोज लांबा का प्यार भरा नमस्कार।